शाहरुख खान की डंकी फिल्म देखी सर? बिल्कुल यार लाजवाब। कैसी कहानी लगी? जितनी बोलूं उतना कम है यार, मतलब तारीफ के शब्द में तो यार नहीं। मतलब कहानी कैसी थी? कहानी एक नंबर यार, यूनिक एकदम फ्रेश कहानी, जो कि मतलब राजकुमार हिरानी की हमेशा कहानी कुछ अलग होती है और लोग डंकी डंकी नाम से कुछ अंदाजा नहीं लगा रहे थे, लेकिन डोंकी भाई कहानी काफी लाजवाब है। और फिल्म के अंदर जो मतलब एक भाषा को लेकर अहमियत दिखाई जाती है वो काफी खास लगती है, जो कि मतलब एक भाषा लेकर दूसरे देश तक जाते हैं। वो कहानी पूरी काफी अच्छी है, जो कि कॉमेडी के अलावा मतलब करने वाली है। अच्छा, इन दोनों जैसे काफी सारी एक्शन फिल्में आई हैं, लगभग लियो जवान, पठान, सलार कलानी है और टाइगर 3, तो क्या लगता है इन एक्शन फिल्मों के बीच में ये फिल्म चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी? चल पाएगी, क्योंकि देखिए लगातार अगर कोई चीज देखा जाए तो आदमी कहीं ना कहीं मतलब पकसा जाता है कि भाई एक्शन ही एक्शन देख लिया, तो कहीं ना कहीं अब इस फिल्म से मतलब कॉमेडी के साथ इमोशनल करने वाली कहानी है, जो कि काफी अच्छी लगी है। और इस बीच आई है तो भाई ये डेफिनेटली मतलब काफी अच्छा कलेक्शन करेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। इसमें शाहरुख खान का रोल कुछ अलग आएगा? एक नंबर यार, उनके रोल काफी तगड़े लगे हैं मुझे तो, 3 रोल पर देखने मिलते हैं जो कि क्लीन शेप के साथ और अलग बियर्ड में, तो वो काफी कास्ट लगे हैं, जो कि मतलब पुराने दिनों के याद दिलाते हैं। जो और विक्की कौशल और तापसी पन्नू काम कैसा? तापसी पन्नू का भी काम काफी अच्छा लगा, उनकी क्यूटनेस, सपोर्टिव रोल, और साथ ही अगर विक्की कौशल का बात किया जाए तो उनका भी काफी अच्छा काम था, जो कि मतलब बॉलीवुड के एक एक्टर है। जी 5 बजे कितने स्टार देंगे? पूरे 5 स्टार देना। ओके भाई, थैंक यू।